audio jungle. आपको बता दें कि चांदपुर के गांव महमूदपुर की रहने वाली महिला बबली के गांव के ही मजम्मिल व पुरन से अवैध संबंध थे। 9 सितंबर को दोनों हत्यारे बबली से मिलने गांव के जंगल गए थे। अवैध संबंधों का दबाव बनाकर बबली दोनों से पैसे मांगने का दबाव बना रही थी। लगातार पैसे देने से मजम्मिल व पुरन तंग आ चुके थे। इसी दौरान दोनों हथियारों ने बबली की बेटी से संबंध बनाने को कहा, जिससे बबली आग बबूला हो गई और तीनों में कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौरान दोनों हथियारों ने बबली को दुपट्टे से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और शव को पेड़ से बांधकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों हथियारों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी धर्मवीर सिंह ने घटना का खुलासा, दोनों हथियारों को जेल भेज दिया है। थाना चांदपुर के महमूदपुर गांव में 9 तारीख को एक महिला का बबीता का गला दबा करके मर्डर हुआ था। स्थानीय पुलिस द्वारा छानबीन करके घटना का वर्कआउट किया गया। इसमें गांव के ही पूरन और मुजम्मिल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने जुर्म को स्वीकार किया। उस महिला से इन अभियुक्तों की अंतरंगता थी, उसमें काफ़ी प्रगाढ़ प्रेम में पैसे की मांग, फिर दोनों में अनमनस्कता हुआ। इन्हीं बातों से इन लोगों ने गला दबा करके मार दिया और खेतों में लाश पड़ी थी। संपूर्ण विवेचनात्मक कार्रवाई के लिए घटना के अनावरण के लिए स्थानीय पुलिस बल को 15,000 रुपये से पुरस्कृत किया गया।